गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस वीडियो यू हैव सीन द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम मैरी गो राउंड। पहले वीडियो में आपने देखा है मैरी गो राउंड का एक्सप्लेनेशन। अब इस वीडियो में आप क्या देखेंगे? वॉवल्स। नाउ व्हाट आर वॉवल्स? वॉवल्स क्या होते हैं? देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट फैमिली, दैट मीन्स ए टू जेड। ए से लेके जेड तक कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं बेटा? अगर आप फिंगर पे काउंट करोगे तो वो होते हैं 26 लेटर्स, ठीक है? ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये पूरा जेड तक होते हैं 26। अब उसमें से ए ई आई ओ यू जो हैं वो होते हैं वॉवल्स। क्या होते हैं बेटा? उनको क्या बोलते हैं? ए ई आई ओ यू। अब देखो ये मैम की मुट्ठी है, ठीक है? आप सब भी ऐसे करेंगे, ए ई आई ओ यू। नाउ दिज आर व्हाट? आप अपने हैंड की फिंगर से याद कर सकते हैं, ए ई आई ओ यू आर वॉवल्स। ये क्या हैं? वॉवल्स हैं। और बाकी जो लेटर्स बचे हुए हैं ए टू जेड में, उनको बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। वो क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं। लेट्स रीड, एंड ऑल द लेटर्स अदर देन वॉवल्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। ए टू जेड के अलावा जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। अब वॉवल्स के आगे हमेशा हमें क्या लगाना है? एन लगाना है, ठीक है? अब फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए ई आई ओ और यू। अब वॉवल्स की हेल्प से हमें ब्लैंक्स को फिल करना है। देखो ये जो ब्लैंक्स दिख रही है ना, इन सब में मैम ने वॉवल्स लगाए हैं। सी डैश टी तो सी ए टी कैट, एच डैश टी एच ओ टी हॉट। इस तरह से मैम ने ये सारे आपको वॉवल्स दिए हैं। व्हाट यू विल डू? यू विल रीड एंड राइट। आप बोल बोल कर लिखोगे। ए ई आई ओ यू वॉवल्स होते हैं बेटा, ये आपको याद कर लेने हैं और इन्हीं वॉवल्स की हेल्प से हमें ब्लैंक्स फिल करने होंगे। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। थैंक यू।